जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा का पर्व इस वर्ष देखिए विशिष्ट योगों से परिपूर्ण है। पूरे 50 वर्ष बाद सर्वार्थ सिद्धि की कल्याणक महामंगल और प्रीति योग एक साथ बने हैं। इससे पूर्व वर्ष 1981 में ये चारों योग एक साथ बने थे। इन चारों योगों से श्रावण पूर्णिमा का माहात्म्य बढ़ गया है। साथ ही देखिए, इस दिन सावन का आखिरी दिन है, तो भगवान शंकर की माता पार्वती की कृपा पाने का दिन है। इस दिन आप शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें और साथ ही आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले शिव मंदिर अवश्य जाएं, क्योंकि देखिए इस दिन देवी देवताओं को भी रक्षा यानी राखी बांधी जाती है। रक्षा सूत्र अवश्य बांधे। साथ ही दोस्तों, इस दिन एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर, गंगा जल लेकर, दूध डालकर और थोड़ा से फूल डालकर, और साथ ही देखिए अगर आपको बेलपत्र मिल जाता है तो आप सात या एक बेलपत्र डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस दिन अगर आप 108 की संख्या में, मतलब 108 अक्षत चावल के दाने अपने सीधे हाथ में रखकर अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना हो वो अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, भगवान शंकर का माता पार्वती की आरती अवश्य करें, उनका पूजन अवश्य करें और पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए, चाहे आपके चढ़े हुए हो चाहे किसी और के चढ़े हुए हो अक्षत हो, वो थोड़े से अक्षत आपको उठा लेने हैं। अगर आपकी देखिए संतान की इच्छा है तो जो स्त्री है रात्रि के समय उन चावलों को देखिए हल्का दरदरा पीसकर दूध के साथ ग्रहण कर ले। अगर आपकी देखिए धन की इच्छा है, अगर आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा तो उन चावलों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या मंदिर में रख दें। इससे देखना आपके घर में धन धान्य का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सुख समृद्धि के लिए आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इन चार योगों से बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के, संतान सुख के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। श्रावणी पूर्णिमा के दिन देखिए सुख समृद्धि के लिए श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए और श्रावण पूर्णिमा के दिन देखिए चंद्रदेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर, गंगा जल डालकर और अक्षर डालकर अर्ध देना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी भी दूर होती है और साथ ही देखिए जिन भी बहनों के मासिक धर्म सही नहीं होते, मासिक धर्म के कारण उनको मतलब संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो इस दिन चंद्रमा को अर्ध अवश्य दें। साथ ही दोस्तों, इनमें जो भाग्यशाली राशियां हैं जिनको बहुत ही शेष संतान प्राप्ति के, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। इनमें सबसे भाग्यशाली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए देखिए श्रावणी पूर्णिमा बहुत ही शेष रहने वाली है, धन प्राप्ति के लिए और संतान सुख के भी बहुत अच्छे योग बने हुए। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए श्रावणी पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाली है। इस दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। दोस्तों, तीसरी जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ श्रावणी पूर्णिमा रहने वाली है, संतान सुख के बहुत अच्छे योग बने हैं, साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छे लाभ के योग बने हुए हैं। इस दिन भगवान शंकर पर मतलब उनका पूजन अवश्य करें, शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही शेष श्रावणी पूर्णिमा रहने वाली है, धन प्राप्ति के, संतान सुख के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों, अगली जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही शेष संतान सुख और धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं। साथ ही इस दिन देखिए भगवान शंकर पर एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही शेष रहने वाली है श्रावणी पूर्णिमा, साथ ही भाई बहनों का साथ मिलने वाला है, धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों, अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए श्रावणी पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ है, संतान सुख भी प्राप्त होगा और साथ ही देखिए धन प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। आगामी जो महीने हैं इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। दोस्तों, अगली जो राशि है वो है देखिए सिंह राशि। सिंह राशि के देखिए बताना भूल गए थे हम,
सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही शेष संतान सुख और धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों ये भाग्यशाली राशियां हैं जिनको देखिए संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे। आगामी महीने बहुत ही शेष रहने वाले हैं। सितंबर का महीना इनके लिए बहुत ही शेष रहने वाला है संतान सुख की तरफ से, और साथ ही देखिये धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो श्रावणी पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर का, माता पार्वती का पूजन अवश्य करें, माता लक्ष्मी का और श्रीहरि भगवान का पूजन करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।